बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, ऑपरेशन के कितने दिन बाद आदमी चल सकता है? ऑपरेशन के कितने दिन बाद आदमी चल सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत रेगुलर सवाल और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, कितने दिन बाद स्पाइन सर्जरी के एक इंसान चल सकता है? देखिए, आजकल की दुनिया में टेक्निक्स बदल गई हैं। पहले लॉन्ग टर्म बेड रेस्ट हुआ करता था स्पाइन सर्जरी के बाद, आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के कुछ मिनटों बाद आप चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। एक घंटा डेढ़ घंटा का रेस्ट भी रिक्वायर्ड नहीं है, 10 मिनट बाद भी आप चल सकते हैं। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में भी, यदि आपकी सर्जरी में सिर्फ डीकम्प्रेशन हुआ है, तो आप कुछ घंटों बाद चलना शुरू कर सकते हैं, अपने पैरों पर अपने सारे काम कर सकते हैं। अगर फिक्सेशन सर्जरी हुई है तो मैं अपने पेशेंट्स को जनरली ओवरनाइट रेस्ट कराता हूं और अगले दिन सुबह से मेरे मरीज चलने लगते हैं और अपने आप धीरे धीरे अपने सारे काम करने लगते हैं। कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरी जैसे कि स्कोलियोसिस हुआ, मल्टी लेवल फिक्सेशन हुआ, इसमें हम लोग कभी कभी मरीज को एक दिन का रेस्ट कराते हैं और रेयर केस में 2 दिन का रेस्ट कराते हैं, बट 2 दिन से ज़्यादा रेस्ट कभी नहीं कराते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्पाइन सर्जरी हो तब भी, क्योंकि हमारे हिसाब से पेशेंट के चलने से जो हीलिंग होती है वो बेटर होती है, वॉकिंग करने से ब्लड फ्लो बेटर होता है और पेशेंट की जो डाइजेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है। स्पाइन लेटे रहने से हीलिंग स्लो हो जाती है। तो ज़्यादातर 90% स्पाइन सर्जरीज में या 95% स्पाइन सर्जरीज में पेशेंट ऑपरेशन वाले दिन या उसके अगले दिन चलने लगता है, एंडोस्कोपी में कुछ मिनटों या कुछ घंटों में, माइक्रोस्कोपी में कुछ घंटों में और कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरी में 1 से 1.5 दिन में पेशेंट चलना शुरू कर सकता है। तो अब वो बातें जैसे कि 15 दिन का बेड रेस्ट, 2 महीने का बेड रेस्ट, 3 महीने का, इस तरह की बातें पुरानी हो गई हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इतने दिन का बेड रेस्ट करना पड़ेगा और जल्दी ही आप चलना शुरू कर सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स को मैं ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट डे चलाता हूँ और उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो अगले एक दिन में ठीक भी हो गए और चलने लगे, और वो खुश भी होते हैं और एट द सेम टाइम इस बात से दुखी भी होते हैं कि इतने दिन तक उन्होंने पेन को क्यों झोला, वो सर्जरी को जल्दी करवा सकते थे। तो डरे ना, हिम्मत करें और स्पाइन सर्जरी की तरफ आगे बढ़ें। यदि आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ज़्यादातर केसेस में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है स्पाइन सर्जरी में, और उसको अपने डॉक्टर से आप डिस्कस कर सकते हैं और सर्जरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।